नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र नाथ अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र ट्रेजरी सॉर्टिक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में मैं गुप्त वंश से संबंधित कई ट्रिक आपके बीच लेकर आया हूं। चलते हैं ट्रिक की ओर। गुप्त वंश के शासकों के क्रम से संबंधित आए दिनों परीक्षा में कई तरह के सवाल पूछा जाता है। कौन शासक के बाद कौन शासक शासन किया, गुप्त वंश के प्रथम शासक कौन थे, गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे। यदि गुप्त वंश के प्रथम शासक पूछा जाए तो श्रीगुप्त, गुप्त वंश के अंतिम शासक पूछा जाए तो विष्णुगुप्त। एक सवाल आता है किसी शासक के नाम दे देगा, उसके बाद कौन शासक शासन किया, इससे संबंधित सवाल या एक क्रम से सजाने वाला सवाल। यदि यह ट्रिक आपको याद रहे तो किसी तरह के सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक है श्री घच सच के सपेरा कौन भाव कवि को दिया। श्री घच सच के सपेरा कौन भाव कवि को दिया, यह यदि लाइन आपको याद हो जाता है तो सारा गुप्त वंश के शासक इसमें समाहित है। देखते हैं कि करके श्री से श्रीगुप्त 240 से 280, घ से घटोत्कच 280 से 319, छ से चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 350, स से समुद्रगुप्त 350 से 375, छ से चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415, क से कुमारगुप्त 415 से 455, स से स्कंदगुप्त 455 से 467, प से पुरुगुप्त 467 से 476, क से कुमारगुप्त द्वितीय 476 से 477, न से नरसिंह गुप्त बालादित्य 495 से 510, भ से भानुगुप्त 510 से 524, ब से भानुगुप्त, क से कुमारगुप्त तृतीय, बी से विष्णुगुप्त। एक एक करके देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम जो प्रथम महान सम्राट थे, सवाल आता है कि गुप्त वंश के सबसे प्रथम महान सम्राट कौन थे, तो चंद्रगुप्त प्रथम। संस्थापक पूछा जाएगा तो श्रीगुप्त। यदि पूछा जाएगा कि गुप्त वंश के प्रथम महान सम्राट कौन थे तो चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। समुद्रगुप्त से संबंधित कुछ बातें हैं। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, उसके सिक्कों पर बीना बजाते हुए दर्शाया गया है जिससे पता चलता है कि वह संगीत प्रेमी था। दरबारी कवि हरिसेन था जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख लिखे थे। समुद्रगुप्त को दी गई उपाधियाँ, कई उपाधियाँ था, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है नेपोलियन का अश्व विक्रम कवि को दो। नेपोलियन का अश्व विक्रम कवि को दो, भारत का नेपोलियन कहा जाता है नेपोलियन से। अश्व में कर्ता की उपाधि धारण किया था समुद्रगुप्त ने, विक्रमंक की उपाधि धारण किया था समुद्रगुप्त ने, इसे कविराज भी कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है कि चीनी यात्री फायान जो बौद्ध था भारत आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही चांदी के सिक्के चलाया जिसे रूपक के नाम से जाना जाता है, शकों के विजय के उपलक्ष्य में चलाया था। चंद्रगुप्त के दरबार में 9 विद्वान रहा करते थे जिसे नवरत्न के रूप में समझा जाता है, देखा जाता है, कहा जाता है। चंद्रगुप्त के नवरत्न को याद रखने के लिए ट्रिक है अब की बार संभव है आधा। हर चुनाव में सत्ता पक्ष या विपक्ष दावा करता है कि अब की बार संभव है आधा। यदि यह लाइन आपको याद रहे अब की बार संभव है आधा, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न को आसानी से याद किया जा सकता है। अ से अमर सिंह, ब से ब्रह्मगुप्त, क से कालिदास, बर से ब्राह्मिहिर, स से शकुल, भ से भरूचि, व से विष्णु शर्मा, आ से आर्यभट्ट, अध से धर्मंत्री। एक एक करके देखते हैं अमर सिंह के बारे में कि इसकी कृति अमरकोश है, इसे विश्व का शब्दकोश कहा जाता है, इसमें चावल के प्रकार, मौसम के प्रकार, सुगंध की चर्चा किया गया है। वहीं ब्रह्मगुप्त, इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की थी। इनका जन्म 578 ईस्वी उज्जैन में हुआ था। इन्होंने ही सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। कालिदास संस्कृत के बड़े विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। इनके नाटक और महाकाव्य से संबंधित भी सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनका नाटक अभी ज्ञान संकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम एवं विक्रमोवर्षीयम था। इस फिर महाकाव्य के रूप में रघुवंशम, कुमार संभवम, गीत काव्यम, खंड काव्यम, मेघदूतम एवं ऋतु संहारम, इससे संबंधित सवाल आता है। बीपीएससी में भी पूछा गया है कि कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि की कृति है, कालिदास के। इससे भी कालिदास से एक और सवाल पूछा जाता है कि निम्न में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है। यदि तीनों नाटक, यदि अभिज्ञान संकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम,
विक्रमोवर्षीय में कोई याद है तो वह सवाल आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। एक और सवाल कालिदास से संबंधित आता है कि कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होता है? अभिज्ञान संकुंतलम कई एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। फिर है बड़ा मिहिर, यह ज्योतिष शास्त्री एवं इतिहासकार थे, इन्होंने पंचसिद्धांतिका एवं बृहत संहिता लिखा। संकुल जो है वह ज्योति विद्या भारण एवं कवि थे। वही भरूचि पत्र कौमदी नामक काव्य की रचना किया था। विष्णु शर्मा पंचतंत्र के रचयिता है, जिसका 50 से अधिक भाषाओं का अनुवाद हुआ है। वही आर्यभट्ट, इसका जन्म 499 ईस्वी में पटना में हुआ था, इन्होंने सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक की रचना की। सर्वप्रथम इन्होंने ही बताया कि पृथ्वी गोल है तथा यह अपनी धुरी पर घूमती है। वही धन्वंतरि आयुर्वेद के जनक के रूप में जाने जाते हैं, हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय को जाने। फिर है आगे स्कंदगुप्त, जिसने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। इसने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ह्यूनों का आक्रमण हुआ। वहीं कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना बोर्ड पर कुमारगुप्त द्वितीय में लिखा गया है, कुमारगुप्त प्रथम समझा जाए। दोस्तों यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।